नो Yes. ड्रॉप तो तू कर रहा है yes. तो पिकअप करने भी आएगा हमें आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज आ गई एक काम करता हूँ तब तक मैं इधर उधर राउंड मार लेता हूँ और जो भी दिख रहा होगा उनको ड्रॉप ड्रूप करके दो चार रुपए भी कमा लेता हूँ सही है बढ़िया आइडिया है हाँ। और गाड़ी जैगुआर है तो एक्स्ट्रा पैसे टैक्सी के पैसे भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल हा 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 आहा, मतलब इनको मैंने कभी एक भी आज तक OTT यूज करते हुए नहीं देखा और दो दिन से छोड़ा नहीं है इन्होंने बस लगे हुए हैं बिग बॉस देखने कितना बिग बॉस देखोगे 24 घंटे लाइव चलता है 24 घंटे ही देखते रहते हैं 24 घंटे देखे ही जा रहे हैं अरे बस करो भाई थक गए नहीं ये नहीं थक रहे मैंने मल्लन साहब को बोला मैं जा रही हूँ पैसे दे दो तो कह रहे पहले चाय पिला के जा तो मैंने कहा चलो भाई पहले चाय पिला देते हैं क्योंकि ये तो अपनी ड्यूटी है ये लो सर आपकी चाय सर आपकी चाय इतने बिजी है ना इतने बिजी है ये अभी जाते टाइम की चाय है जब वापिस आऊंगी तो फिर आते ही पहले हुक्म होएगा कि चाय तो पिला दे और अभिषेक बिग बॉस क्या गया इनको तो सच में बहुत बिजी कर गया वो सारा दिन मतलब सुबह 6:30 जब उठते हैं ना तभी लगा देते हैं और वो सोए होते हैं तब भी ये मतलब सारा दिन ऑन रखते हैं कैमरा बहुत मजा आ रहा है मलन साहब बहुत मजा आ रहा है 24 घंटे ड्यूटी मिल गई थानू देखा फिर से फोन बजा मैं रिकॉर्ड करूँ और मलन साहब का फोन ना बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना और किट्टी में हमें छोड़ने जा रहे हैं सर आप हमें ड्रॉप कर दीजिए सर जब से ली हुई है जैगवर एक बार भी नहीं हमने राइड ली अब मम्मी देखो कह रही है मम्मी कहंदी मेनू पहले जैगवर ले दो फिर जैगवर च ड्राइव भी ले दो जैगवर तो हमने ले ली है पर राइड नहीं ली जब से हम लेके आए हैं ना गाड़ी पे बस वो ही कपड़ा डाल के ऐसे ढक के रख दिया कि बस नाम की हमने गाड़ी ली है आप हुकुम करा करो जैगवर में क्या हेलीकॉप्टर में चढ़ा रहे हैं ओह माय गॉड आप पहले आप बस आज जैगवर में हमें ड्रॉप कर दीजिए जैगवर में एक्चुअली में मम्मी की फर्स्ट राइड होने वाली है जैगवर में ओह माय गॉड माय फर्स्ट राइड इन जैगवर ऐसा एक्सप्रेशन तो थंबनेल के लिए ये भी परेशान हो गए गाना सुन सुन के अरे बस करो हर जगह इंस्टाग्राम रील हो गए शॉर्ट हो गए यूट्यूब हो गया भेज हो गया गड्डियां उचिया रखिया वो ही विक्की कौशल की एक क्लिप को 6,000 करोड़ बार देख चुका हूँ गड्डियां उचिया रखिया हाँ मान लिया भाई गड्डी उच्ची रखी है भाई उसने डांस इतना बढ़िया करा है मैं भी कहता गड्डियां उचिया रखिया है गले में चिता करती है मेनू इसको दोस्त मिल गया फिर से बाय गॉड तेरे को देखते ही ऐसे आ जाता है उसको बेचारे को फीड करा दिया कर अरे मेरे पास कुछ नहीं है यार मुझे डर लगता है घूम ही जा रहा है ये तेरे पीछे पीछे अब तो ना मतलब वो हो गया प्रूफ हो गया कि ये तेरे दोस्त है मेरे को ना हर जीव जंतु मेरे से प्यार करता है आई एम सो क्यूट जैगवार आ गई पांच दिन से गाड़ी आई हुई है हाँ। एक बार चलाई है वो भी मैंने बस तू नहीं चलाई है और मैं ही इसको तब यहाँ कवर चढ़ा के गया था तब से ये ऐसे ही है कवर चढ़ा के रखी हुई है आज इसका नकाब उतर जाएगा हाय हाय गीला पड़ा नीचे भी गंदी हो गई अरे तो बारिश हुई है ना गीला हो गया बिल्कुल ऊपर मम्मी जामुन भी पड़े हुए हैं ये लो आओ नाइस कैच जामुन का पेड़ है ना ऊपर अब ये ऐसे कैसे रख देगा हाय हाय तू भी गंदा हो जाएगा तो देखा अपने ऊपर ले ली मैंने गंदगी आपको नहीं होने दिया हाय सो स्वीट ना आप रेडी होके आए हो ना किट्टी पे जा रहे हो कितना केयरिंग है ना है ना बहुत ज्यादा मार्केट में ना जामुन नहीं मिल रहे हैं और यहाँ पे देखो कितने ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं वो क्या जामुन दिखा रहे हो यहाँ पे जैगवार का ये दिखाओ ये देखो यो वाला बटन दबाना है बंद नहीं करनी डिक्की बस बटन दबाना है ऑटोमेटिक ये देख रहे हो ये शेर जैसा तो दिखने वाला है हाँ। इसको जैगुआर कहते हैं अच्छा जी हमें तो पता ही नहीं था अच्छा थैंक यू बताने के लिए शुक्रिया
जो मैडम आप भी आ जाओ, आगे आगे आगे, फर्स्ट राइड इन जैगुआर, आप बैठो। वाओ नाइस, आइए आइए बैठिए। बैग तो मैंने लिया था हमने, जिस दिन ली थी नहीं। अच्छा बैठी थी फिर मैं वरदान उधर अकेला। ओ ये देख गुड आफ्टरनून मलहन। वाओ मैं इतना समझदार था, प्यारा बच्चा हूँ, मैंने अपना खुद का नाम नहीं डाला, मैंने मलहन लिखा, वरना गुड मॉर्निंग निश्चय भी लिख सकता था, भी आ सकता था। मैंने मलहन किया है बिकॉज़ आई एम बेस्ट बॉय हूँ मैं। यू आर प्रो, आई एम बेस्ट बॉय। अभी देखिए मम्मी अब क्या है, ये गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई ऐसा चाबी चुबी नहीं घुमानी, बस जो दबाना बटन स्टार्ट होगी। ओ वाओ इसी भी चल पड़ा, इसी भी चल गया। और अब पता क्या करना है, बस ये ऐसे करके ऐसे करना है, बस अब गाड़ी चल पड़ेगी। वाह, रुकिए रुकिए, गाड़ी चलाने से पहले मम्मी बीट सेल्ट पहन लो। ये तो मैं भूल ही गई, बीट सेल्ट लगा लो जल्दी से। लगा ली। गाइस बीट सेल्ट लग गई है, उड़ाने वाला है। क्यों हेलीकॉप्टर में राइड देने वाला था ना, तो मेरे को मैंने कहा शायद इसी को हेलीकॉप्टर गड्डी उच्चियां रखी है अरे तो बीच ने रखी है तो मैंने। गाड़ी महंगी है पर हेलीकॉप्टर जैसे उड़ती नहीं है, अभी भी सड़क पे चलनी पड़ती है। अब जी के मम्मी, अब जो है ना सबसे मेन चीज जो है मैं आपको इस गाड़ी का दिखाता हूं, एंड वो है यही देखिए, यही है 360 कैमरा। इस पे ये देखिए, ये गाड़ी के आसपास का पूरा दिखाता है। अब जैसा सामने देखिए गाड़ी है, अब फंसा नहीं है कि गाड़ी खिंचा पास है, तो ये वाला एंगल बदला और ये एंगल से अब मैं देखेगा इधर नहीं कि कितनी स्पेस है गाड़ी निकालने के लिए। क्या अब बात है? ये देखिए ये गाड़ी उस आगे वाली गाड़ी से काफी क्लोज आ रही है, पर क्या ये निकल पाएगी पूरी? ये कह रहा है निकल जाएगी, तो मैं इसको ट्रस्ट करके निकाल लिया। और यही पापा होते तो मेरे को कहते वो बाहर निकल के देख। अरे अब बाहर नहीं निकलने की जरूरत, दिस इज टू गुड मैन, दिस इज सो गुड चीज। और ये देखो ये एरियल व्यू भी दे रहा है ऊपर से पूरा आसपास का। हाँ, हैरियर में भी वो लगा हुआ है ना? नहीं, हैरियर में नहीं है, ये स्क्रीन तो लगी स्क्रीन है ना? पर ये 360 कैमरा नहीं है, बैक तो दिखाता है ना वो जब हम बैक अरे वो तो रिवर्स में तो हर गाड़ी में होता है। हाँ, तो पापा उस पे नहीं ट्रस्ट करते, कहेंगे उतर के देख कितनी और जाएगी पीछे। पापा अभी टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस नहीं हुआ है तो समझ नहीं सकता है। बट ये देखो अभी जैसे गाड़ी यहाँ से निकालना है तो सिंपल ये कैमरा में यूं गया और इसका जाके देख लिया कि गाड़ी इस वाली गाड़ी से क्लोज है ज्यादा क्लोज आ रही है। अभी मम्मी सबसे मेन क्वेश्चन आपसे पूछूं, अगर गाड़ी यहाँ पे दिख रही है सामने तो फिर कैमरा कहाँ लगे हुए हैं? सोचो कहाँ लगे हैं? ऊपर हेलीकॉप्टर से एक ड्रोन शॉट चल रहा है। ओ ड्रोन शॉट कौन ले रहा है? पापा, अमेरिका, FBI, मोदी जी जाना गए। नोनो ड्रॉप तो तू कर रहा है, तो पिकअप करने भी आएगा हमें प्लीज? ये तो बात ही नहीं हुई थी, ये तो आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज आ गई। तो एक बार तू सिलेबस अपना पूरा लर्न कर ले कि हमने तेरे को बोला है मेरे को पढ़ाई छोड़े हुए हो गए बहुत साल। नहीं मैं तेरे को सिखा देती हूँ ना, पढ़ा रही हूँ मैं तेरे को। अभी हमने तू वहाँ ड्रॉप कर दे, फिर 5:30 या 6 के अराउंड हमें लेने आ जाना, मैं कॉल कर दूंगी जब मैं फ्री हो जाऊंगी। एक काम करता हूँ, तब तक मैं इधर उधर राउंड मार लेता हूँ और जो भी दिख रहा होगा उनको ड्रॉप ड्रॉप करके 2-4 रुपए भी कमा लेता हूँ। सही है, बढ़िया आइडिया है। हाँ। और गाड़ी जैगुआर है तो एक्स्ट्रा पैसे टैक्स के पैसे भी। हाँ बिल्कुल अर्निंग भी हो जाएगी। सही बात है, मस्त आइडिया। 1.5-2 घंटे अब आप कह रहे हो आना, उसके बाद तो तब तक पैसे कमा लेता हूँ थोड़े। ओके नोनू बाय। मैडम जी आपका स्टॉप आ गया, आप उतरने का क्या लेंगे? सर वो अपार्टमेंट वाले जो सिक्योरिटी गार्ड है वो वेट कर रहे हैं कि कब आप गाड़ी हटाओ सामने से। तो आप आ जाना हमें पिकअप करने प्लीज। मैडम एक्चुअली थोड़ा सा काम है तो ओके, आई विल ट्राई, आई विल कॉल यू। Okay, please, yes, you, make sure. You give me a call, I will see if I can come and then I will tell you. Thank you, sir. Bye. Bye. Yeah. 1 hour later. मुझे पता लग गया था तू आ गई है। ओए ऐसा प्यार कहाँ। ओके फाइनली हमारी हो गई किट्टी कम्प्लीट। और मना कर दिया हमने, सबने बोला कि 24 साल पुरानी फ्रेंडशिप मत तोड़ो, 1 साल और निकाल लो,
25th एनिवर्सरी मनाएंगे हम किट्टी की। लेकिन यार बहुत दिक्कत है क्योंकि इतनी दूर से फिर आना मुश्किल ही हो जाएगा। फिर वही रहेगा, बस पैसे भेज दो पैसे भेज दो, तो किट्टी का मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। और आप नॉमिनेट कर रहा था स्वीट हार्ट, आज मजा आ गया बिग बॉस देख के। हाँ नॉमिनेट हो गए सारे, पुकरा फैम, पांडा गैंग, ट्रिगर्ड आर्मी, डिंपल मलंस ब्लॉग जो देखते हैं सब इकट्ठे हो जाओ और सपोर्ट करो फुकरा इंसान को। तो जाते हुए मैंने बोला था ना कि अभी मैं जाते हुए चाय पिला रही हूँ और जब मैं आऊंगी तो आते ही मेरे को हुक्म होएगा कि मेरे को चाय पिला दो चाय पिला दे, और वही हुआ। कह रहे यार चाय तो पिला दे। ये जो बाहर खड़े होके मेरी वेट हो रही थी ना, वो चाय की वेट हो रही थी एक्चुअली, कि मैं आऊं और फिर से चाय पिलाऊं, जैसा कि मैं बोल के गई थी आपको। ये लो बन गई चाय फिर से। ये लो सर, चाय की वेट हो रही थी ना। अब मैं भी अपना चैनल खोल रहा हूँ। अबू ने बिग बॉस में बोला है कि पापा का खोल देंगे एंग्री इंसान, पर नहीं मैं सल्लू भाई आला खोलूंगा निकम्मा इंसान। वाह वाह वाह, चाय इंसान रख लो वैसे नाम सब तो बढ़िया, सल्लू भाई आला नाम रखेंगे निकम्मा इंसान। इश्क चेचना